बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सैयद इम्तियाज शाह साहब, नजीब हारून साहब कुछ ही मिनट में यहाँ पे तशरीफ लाते हैं। मैं अपने तमाम इंजीनियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए। यकीनी तौर पर ये उनका प्राइवेट टाइम है, हमने उनसे गुजारिश की वो यहाँ पे तशरीफ लाए। और ये प्रोफेशनल काज के लिए, प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए कुछ होना चाहिए, इस उम्मीद के साथ आए हैं कि जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर हमारे ग्रुप ने, हमारे इस फोरम ने क्या फैसला किया है, हमारे अलायंस ने क्या फैसला किया है कि इंजीनियर्स की वेलफेयर के लिए इनके पास क्या एजेंडा है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रोल क्या है और इन इंजीनियर्स को किस तरीके से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बेनिफिट कर सकता है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक प्रोफेशनल बॉडी 1976 में एस्टेब्लिश हुई टू रेगुलेट द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। इसके ये प्राइम ऑब्जेक्टिव्स में से जितना भी इंजीनियरिंग प्रोफेशन के इदारे हैं उनको रेगुलेट करना, चाहे वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर होते हैं या जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जहाँ पे इंजीनियरिंग का काम होता है, तो उनको रेगुलेट करना। जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो लॉस हैं वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव हैं, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो बहुत सारे काम जो इस वक्त इंजीनियरिंग प्रोफेशन फेस कर रहा है, जो इश्यूज फेस कर रहा है, वो उस एक्ट के जरिए रिजॉल्व हो सकते हैं। मैं अगर सबसे पहले अगर ये कहूं कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं वो इंजीनियर्स होने चाहिए, ये एक है। इंजीनियर्स जहां पे इंजीनियर्स की इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना और उनके फ्यूचर के लिए काम करना और उनकी वेलफेयर के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में मुकम्मल तौर पर क्लाजेस हैं जिससे उनके प्रोफेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर हम ऐसे प्रोफेशनल्स को उस बॉडीज में भेजेंगे जो इन लॉस से अवेयर है, फैमिलियर है, तो यकीनी तौर पर इस प्रोफेशनल बॉडी को मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट किया जा सकता है और जो इंजीनियर्स के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। मैं अगर एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन का हेड होते हुए, मैं यूईटी टेक्सला में एज ए वाइस चांसलर काम किया, टेक्सला यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर काम किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर काम किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर। तो एक वो स्टेट थी, आप देखें कि इस वक्त भी जो इंजीनियरिंग डिग्री है ये हमने 2017 में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाया। 2017 आप डेवलप्ड वर्ल्ड में जो आज कोई भी इंजीनियरिंग प्रोफेशनल जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कार्ड रखता है, हमने उन डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ इनकी डिग्री को एग्रीमेंट कर लिया। आप ये इक्विवेलेंस जो हमें मुयस्सर हुई उसके बेनिफिट्स क्या है? अगर आपके पास ये प्री रिक्विजिट है, अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, ये एक पीस ऑफ पेपर नहीं होना चाहिए। आपके पास जो रिक्विजिट नॉलेज है और स्किल है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज लेवल है तो आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कम्पीट कर सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कह सकता
कि आपके पास जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, डेवलप्ड वर्ल्ड आपको ये नहीं कह सकता कि आपकी डिग्री को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। आपको कोई हमारा एग्जाम पास करना होगा। जैसा कि मेडिकल प्रोफेशन में, अगर मेडिकल प्रोफेशन की डिग्री किसी इंस्टीट्यूशन में USS है या कोई और मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उसने डिग्री अवार्ड की है, तो उनके लिए रेलेवेंट जो कंट्रीज है वहां का इम्तिहान पास करना होगा। आपको ये नहीं कहा जाता कि आप उनका एग्जाम पास करें। हमने इसके लिए एफर्ट की और आज हमें अल्लाह ताला सुब्हानहु ताला ने शुरू किया कि आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, आप कह सकते हैं कि मेरे पास जो डिग्री है वो एक्वायर है विद द इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन। मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी ग्रेजुएट का मैं मुकाबला कर सकता हूँ, उनको कम्पीट कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मैंने जैसे आपसे कहा कि जो रिक्वायर्ड नॉलेज लेवल है और जो स्किल है, एक आदमी अगर इंजीनियर किसी क्वालिफिकेशन को, किसी डिसिप्लिन की क्वालिफिकेशन को उठाए हुए डिग्री उसके पास है, लेकिन अगर उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल नहीं है, वो सिंपली एक पीस ऑफ पेपर है, इसके अलावा कुछ नहीं। चाहे वो किसी डेवलप्ड वर्ल्ड से वो डिग्री क्यों नहीं है, इशू तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास नॉलेज हो और आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कि आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ये हमने किया, ये हमने जो जर्नी है 2010 में स्टार्ट किया एंड आई वॉज द कन्वीनर ऑफ दैट कमेटी। हमने 2017 में, अच्छा उसकी रिक्वायरमेंट्स है कि आप ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड में इस वक्त 20 से 22 ममालिक जो है, आप US से लेके कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप जो जापान, मलेशिया, जितना आप टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड वर्ल्ड है उनके वो ममालिक उस अकार्ड का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान आज हिस्सा है। हमें इनिशियली प्रोविजनल मेंबरशिप मिली, लेकिन अब पाकिस्तान इज अ फुल मेंबर और जिसमें हमें 7 साल लगे और ये 7 साल का पीरियड थोड़ा हो सकता था, लेकिन क्योंकि मुल्की हालात ऐसे थे जिसमें इंटरनेशनल टीम आ नहीं सकती, तो एक तो ये पॉइंट है कि हमने अपनी कंट्रीब्यूशन की। जिस वक्त हमारी टीम वहां पे थी तो हमने उसमें कंट्रीब्यूट किया। इट वॉज नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ कि मैं एक मेंबर हूँ, मैं एक वाइस चेयरमैन हूँ एंड आई शुड बी देयर और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का। देखिए अगर ये इस वक्त एज ए VC ऑफ टेक्सला, VC ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, हमें एक कमेटी के मेंबरशिप के लिए हम बहुत सारी जगहों पे जा नहीं सकते। हमारे पास बहुत ज्यादा इस तरह की मेंबरशिप्स होती है, लेकिन क्योंकि ये मेरा एक प्रोफेशन, मैंने इसमें ग्रेजुएशन, इसके लिए मैंने कंट्रीब्यूट किया, तो मेरे ऊपर ये फर्ज है। अगर अल्लाह सुब्हानहु ताला ने मुझे ये कैपेसिटी दी है तो इसमें मुझे और मेरी टीम को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आप हमारे नजीब हारून साहब तशरीफ लाते हैं तो उनसे आप जिस वक्त आप मिलेंगे, आप देखेंगे कि उसमें कितनी एनर्जी है अपने प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए। अदरवाइज ही इज MLA, उसको जरूरत नहीं, वो 5 साल के लिए ही इज MLA, लेकिन इस कमिटमेंट के साथ हमारे जितने भी मेंबर्स को आप देखेंगे यहाँ पे तशरीफ लाएंगे, उनमें आप देखेंगे कि दे आर कमिटेड टू डिलीवर। हमारे पास जो परफॉर्मर की टीम, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं समझता हूँ कि इस जज्बे के साथ हमारी टीम इंशाल्लाह इस इलेक्शन में जा रही है और इंशाल्लाह हम इसमें विन करेंगे। नजीब हारून साहब तशरीफ ला चुके, सर आप आ जाए। सेकेंडली, हमने प्रोफेशन को रेगुलेट करना, रेगुलेट करने के बाद जो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप ऐसा पॉसिबल नहीं है, नदीम साहब अक्सर इसको आपके साथ शेयर भी करेंगे, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट करेगा। आप डेवलप्ड वर्ल्ड को अगर देखेंगे, जो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके बहुत ज्यादा मिनिस्टर जो है डेवलप्ड वर्ल्ड में, आपको इंजीनियर्स मिलेंगे। क्यों? उनकी अप्रोच ऐसे है, वो किसी भी सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। इशू है कि अगर आप डेवलपिंग वर्ल्ड में अगर आप इश्यूज को देखें तो प्रोसेस नहीं,
सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, गवर्नेंस के इश्यूज है, जो इंजीनियर्स का रोल है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा, और जो पॉलिटिकल हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो फील करते हैं कि हमने इसको रन करना है। यस, उसमें उनमें कैपेसिटी है, वो रन कर सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह सुबहानहु तआला ने आपको कैपेसिटी दी है, एक डॉक्टर का काम एक इंजीनियर नहीं कर सकता, एक इंजीनियर का काम डॉक्टर नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारे एक्ट के अंदर डिफाइंड है कि उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इंजीनियर होना चाहिए। लेकिन इससे अहम जो मेरे यहाँ पे यंग इंजीनियर्स तशरीफ लाए हुए हैं, जिनको बड़ी उम्मीदें हैं, आज की जो पोजीशन है कि एक इंजीनियर को ट्रेनिंग के लिए उनको प्लेसमेंट नहीं मिलती, अब उनको जॉब नहीं मिलता और साल आ साल वो इंतजार करते हैं। इस प्रोफेशन का, इस रेगुलेटरी बॉडी का ये फर्ज बनता है कि सप्लाई और डिमांड की रेशो को वो एडजस्ट करें, इंस्टीट्यूशंस को कहें, आप हर एक इंस्टीट्यूशन को अनलिमिटेड सीट्स नहीं दे सकते, डिमांड कितनी है उसके मुताबिक जो है आप इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करें, इनटेक आप ले, और जब आपने इनटेक ली है, इंजीनियर्स को एडमिट किया है, तो आपके पास ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि आपने क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड की है और वो किसी भी लेवल पे वो कम्पीट कर सकता है। मेरे पास मेरे सीनियर्स कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, मुझे याद है जिस वक्त हमने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का प्रोग्राम 2007 हमने स्टार्ट किया, तो मैंने अपने एक स्टूडेंट से कहा कि आप मेरे पास यहाँ पे काम करें, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप मुझे सैलरी कितना दें। अच्छा, बिलीव करें कि मैंने उस वक्त मेरी जो सैलरी थी उससे ज्यादा सैलरी अपने MSc के स्टूडेंट को आप बच्चे, तो उसने कहा डॉक्टर साहब गिव मी सम टाइम, I will answer you tomorrow. Next day उसने मुझे आंसर किया, डॉक्टर साहब मेरे आपके साथ बड़े अच्छे मुरासिम है, अगर मेरा आंसर नो में है तो यू विल नॉट माइंड आई गो, तो यू डिडंट कम टू माय इंस्टीट्यूट। तो उसकी रीजन क्या थी, मैंने उसे क्यों कहा और उसने मुझे नो क्यों कहा, उसके पास नॉलेज था, उसके पास ही न्यू कि मैं जो मेरे पास सर्टिफिकेट्स है, मेरे पास जो डिग्री है, मेरे पास जो नॉलेज है, मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ, ये सिंपली एक कागज का पेपर नहीं है। तो हम इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन करें कि वो जहाँ पे भी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, आप हमारे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, हमारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे उन्होंने कम्पीट किया है इन UK, इन USA विद द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड दे गॉट द पोजीशन। आप अपने लोगों को इतना इकट्ठ करें तो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाए। आपको जो अल्लाह सुबहानहू ताला ने पाकिस्तान को खसूसी तौर पर जो इकट्ठ किया है, जो ह्यूमन कैपिटल पाकिस्तान के पास अवेलेबल है, वो किसी और मुल्क के पास अवेलेबल है। पाकिस्तानी जितना हार्ड वर्किंग, कमिटेड, ऑनेस्ट और अपने जॉब में, मुझे एक गोरे ने कहा व्हेन आई वाज सर्विंग इन UK, तो उसने मुझे कहा कि पाकिस्तानी तो हमारी ऑल द टाइम इज अवर प्रायोरिटी, कि हम क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द पाकिस्तानी इंडिविजुअल इज सो गुड, हमें चाहिए कि पाकिस्तानी लोगों को हमें रखें। तो आप देखें कि आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको कैसा देखती, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा स्कोप अवेलेबल है, हमें चाहिए कि इस इंजीनियरिंग प्रोफेशन को, ये मैं नदीप साहब आपसे वादा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे जरूर ये बात करता हूँ, मेरी कमिटमेंट है, हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी दो तीन चीजों पर, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ये पूरी आर देयर एंड नजीब हारून इज देयर। तो जो यंग इंजीनियर्स हैं जिनकी अभी सर्विस 5 to 10 years है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी और ये वहां पे उस बॉडी का हिस्सा होगा। सेकेंडली, हमारी फीमेल बच्चियां आप देखें वहां पे बैठी हुई हैं, बहरहाल इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में जहां पे ये प्रोग्राम हो रहा है, मोर देन 50% ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स दे आर द फीमेल टीचर। आप देखें कि जो इम्प्लाईज है मोर देन 50%। अच्छा, इस वक्त जंग लाट में हमारे पास फीमेल इंजीनियर्स भी हैं और इम्प्लाईज भी हैं, और हमारे इंजीनियरिंग प्रोफेशन में मुझे याद है मेरी जो पहली क्लास थी उसमें सिर्फ 2 बच्चियां एडमिट हुई,
केमिकल इंजीनियरिंग में, मटीरियल इंजीनियरिंग में बहुत काम आए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में यस उनके एडमिशन हुए और उन्होंने उसमें ऑफिस प्रेफरेंस लाइके किया क्योंकि ये ऑफिस का जॉब है। लेकिन फिर भी हमारे केमिकल इंजीनियर्स ने फील्ड के अंदर जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, मेरे ख्याल में इनकी रिप्रेजेंटेशन अगेन यस ओपन मेरिट पे भी कम्पीट करे, लेकिन इनका वहां पे कोटा भी होना चाहिए। एंड वी विल इंश्योर कि इंशाल्लाह हमारे टेन्योर में ये दोनों काम और तीसरा काम जिसके लिए मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जो हमारे फ्रेश इंजीनियर्स पास आउट हों एटलीस्ट हर इंडस्ट्री के लिए। मुझे याद है जब हम पास आउट हुए तो इंडस्ट्री के लिए ये मैंडेटरी था कि वो 6 इंजीनियर्स हर प्रोफेशन के वो अपनी इंडस्ट्री में इंडक्ट करें। तो ये अगर हम अपनी यंग जनरेशन को हम ये अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, हमने नॉलेज दिया, हमने क्रिटिकली हमने पढ़ाया है उन बच्चों को, लेकिन अगर आपने उनको इंडस्ट्री में उसका एक्सपोजर ही नहीं दिया, उन बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कम्पीट करना है? क्योंकि बहरहाल देयर इज अ गैप कि प्रैक्टिकली व्हाट वी आर टीचिंग इन द इंस्टीट्यूशन और जो प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यस देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन अगर आप उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है 1-2 साल की, यस मैं हम तो पास आउट हुए बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे पास 6-7 साल हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर हो गए, ये आज भी हो सकता है। ये जो हमारा एम्प्लॉयर है ये जो कहता है एम्प्लॉयर कि मेरे पास यस मैं ब्रेक इवन पे रन कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद आप उनसे पूछे कि आपको प्रॉफिट कितना रिसीव हो रहा, कितना मिल रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम मुकम्मल तौर पर बेनिफिट लेंगे नजीब हारून साहब का, गवर्नमेंट का, कि हमने जो आपसे कमिटमेंट करनी है, यस इन बच्चों को जॉब मिलना चाहिए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इज नॉट देयर टू मेक द मनी, हम कंट्रेक्टर से पैसे लेने के लिए बॉडी नहीं बनाई, ये प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए बनाई गई। तो हम इंशाल्लाह जो वहाँ पे अमाउंट अवेलेबल है हम अपने इंजीनियर्स को स्कॉलरशिप भी देंगे, इंजीनियर्स को वहाँ पे लोन भी देंगे जिसमें वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें। हमारे पास इस वक्त भी नेशनल लेवल पे ऐसे इंडिविजुअल्स पाकिस्तानी अवेलेबल हैं जो कहते हैं कि यस हम फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन देने के लिए तैयार हैं ताकि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। आप बजाय इसके कि यस यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इंजीनियर्स को जॉब मिलने चाहिए, पेड इंटर्नशिप मिलनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ये देखिए इम्तियाज शाह साहब बैठे हैं, नजीब हारून साहब बैठे हैं, ये एंटरप्रेन्योर इन्होंने अपने फील्ड में प्रोग्रेस किया। इम्तियाज शाह साहब मेरे जो हो सकता है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट्स हैं या मेरे जो टीचर्स हैं फैकल्टी मेंबर्स, जितना उनको मैं सैलरी देता हूँ वो इतना शाह साहब प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि हमें एक जो पढ़ाया गया है या हमारे टीचर्स की जो ट्रेनिंग हुई है कि हमने इनको एम्प्लॉयमेंट देनी, इन्होंने इंडस्ट्री में जाना है, यस हमें इंडस्ट्री को रन करना है, बट एट द सेम टाइम हमने ये भी अपने इंजीनियर्स को एक एंटरप्रेन्योर भी बनाया जिसमें वो अपने एक एम्प्लॉई की बजाय वो एक एम्प्लॉयर बन सके। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जहाँ पे आप देखते हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, रिसोर्स प्रोग्राम का स्कॉलरशिप है, डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, अगर मैं गवर्नमेंट को ये करूँ रिक्वेस्ट करूँ कि आप इस यूथ को वो फंड्स दें और जहाँ पे ये 5 लोगों को आप एक फैमिली को आप लोन दे रहे हैं या आप पैसे दे रहे हैं, आप एक डोनेशन दे रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं मेरे इंजीनियर्स को दें, आप 5 फैमिलीज को ये एम्प्लॉयमेंट देगा, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। और हमारे पास ये एस्टैब्लिश फैक्ट्स है, हम इधर हमारे इस मजलिस में भी बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे बैठे हैं जिनकी अपनी कंपनीज जिनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारे बच्चों को ट्रेड भी कर सकते हैं और एक अपॉर्चुनिटी एक एम्प्लॉयर का जो कंसेप्ट है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं ज्यादा वक्त इन 3-4 कमिटमेंट्स के साथ, यस हम सप्लाई एंड डिमांड को इंश्योर करेंगे, नंबर 2 यंग इंजीनियर्स को वहां पे लेके जाएंगे उनकी आवाज पहुंचाएंगे, नंबर 3 फीमेल इंजीनियर्स की वहां पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे,
नंबर फोर जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन हैं, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके हेड्स मैं देखता हूँ कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन उनके इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन उनके हेड्स जो है नॉन इंजीनियर, उनको आप इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं लेकिन उनको पता नहीं। फिर आई विल इंश्योर दो पॉइंट्स जो हमारे यंग इंजीनियर्स के लिए हैं कि वी विल इंश्योर कि इनको जहाँ पे पेड इंटर्नशिप की बात हो रही है, इनकी प्लेसमेंट की बात है, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट ऐसी स्कीम, ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करे जिसमें ये जो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंजीनियर्स है इसको मिनिमाइज किया जाए। और इंशाल्लाह जो ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त कितनी ऑर्गेनाइजेशन जरूर एग्जिस्ट करती है, जो कितना हमारा टोटल इंजीनियर है इस वक्त जो रजिस्टर्ड है 3.5 लाख टोटल। और आप देखें कि 3.5 लाख बंदे को अगर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन, और पॉपुलेशन कितना है 22 करोड़, अगर इसका आप आउट ऑफ 1000 इसकी कैलकुलेशन करें तो ये 1 out of 1000 पॉपुलेशन आपको मिलेगी। अगर आप मलेशिया से कंपेयर करें 3:1, और ये इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। आप डेवलप्ड वर्ल्ड को देखें तो ये जो मिनिमम रेशियो है वो 5:1000, तो आपके पास 1:1000 इस रेशियो को भी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त यकीनी तौर पर इस पोजीशन में है जहाँ पे वो बिलियंस ऑफ रुपीस के डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत फैमिलीज तक पहुँच रही है। तो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो हमारे इंजीनियर्स तक भी पहुंचे। ये एक इंजीनियर को अगर आपने इतना इकट्ठ कर दिया तो वो 20 लोगों को वो ड्राइव करेगा। इंशाल्लाह इस कमिटमेंट के साथ आप हमारी टीम को आप वोट करेंगे। हमारे जो जो टीम है जिसमें नजीब हारून का सिविल इंजीनियर है और ये चेयरमैन के तौर पर कंटेस्ट कर रहे हैं, सैयद इम्तियाज शाह साहब सीनियर वाइस चेयरमैन के तौर पर, वाइस चेयरमैन पंजाब, हम मुझे पंजाब दोनों साइड सारे इंजीनियर वोट दे सकते, नजीब हारून साहब को और इम्तियाज शाह साहब को और दखन की ऑल डिसिप्लिन वो वोट कास्ट कर सकते। 8 अगस्त को डिफरेंट लोकेशन पे हम आपसे शेयर करेंगे, पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, आपसे दरखास्त होगी कि आप वहाँ पे पहुंचे और अपने सारे कोलीग्स को, अपने क्लास फेलोज को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को, अगर आपको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है आप हमें बताएं, वी विल प्रोवाइड, लेकिन मेक श्योर कि वहाँ पे चेंज आना चाहिए और चेंज फॉर द प्रोफेशन होना चाहिए। और जिसमें अगेन जो मेरी टीम है ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी के साथ है, और आप जस्ट गूगल ये नजीब हारून साहब कौन, ये सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर है, सबसे हाईएस्ट इन द पार्लियामेंट, टॉप 50 में 30 में आउट ऑफ 22 करोड़ ये उसमें लाई करता है, और गवर्नमेंट से कोई अपना बिजनेस नहीं करता। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की क्लीन लीडरशिप को आपको आगे भेजना चाहिए, ऐसी लीडरशिप जिसके अपने इंटरेस्ट ना। मैं एक चीज, क्योंकि आप सारे इंजीनियर्स हैं, आप सारे लीडर्स हैं, लीडर वो है अगर इस एक पॉइंट को अगर आप अपने जहन में रखेंगे, यू विल सी कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। अगर आप लीडर हैं अपने इंटरेस्ट को पीछे का, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करें, आप देखेंगे कि अल्लाह सुबहानहू ताला आपके इंटरेस्ट को खुद ही फुलफिल करेगा, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप अपनी विश रखते हैं, अपनी ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन आप अगर आपने अपनी ख्वाहिश आपको ही आगे कर दिया पहले, तो हो सकता है फिर इसमें अल्लाह ताला का वादा नहीं। तो नंबर टू, आपसे ये उम्मीद है, जहां पे मैंने एक ही बात की, कॉम्पिटेंसी इज ऑन वन प्लेस, कि हमारे लोग कॉम्पिटेंट अपना बिजनेस रन करते हैं, अपने क्रेडिबिलिटी, लेकिन एट द सेम टाइम जो वैल्यूज, जो करेक्टर, इसमें ये रिच, और आप में जहां पे भी आप हो, आपसे अगर कोई एज ए प्रोफेशनल
आपकी स्ट्रेंथ पूछी जाए तो आप में ये इमीडिएटली आप कह सकते हो कि यस मैं एक ला अबाइडिंग जो है सिटीजन और मैं ला को इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने ऊपर भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर ये हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं अगर हम अपनी लाइफ में ये चेंज ले आ सकते हैं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। और आखिर में आप जो इस हाल में मौजूद है हमारे कुलीग दोस्त, ये आज अगर हम ये फैसला कर लें कि नजीब हारून साहब और उनकी टीम को हमें इंशाल्लाह कामयाबी दिलवानी है, आप इतने लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैं कहता हूँ कि पंजाब से ही ये टीम जीत के जाएगी, इनको किसी और सूबे के वोट की जरूरत नहीं। तो मैं इंशाल्लाह, आप हमें जानते हैं, डॉक्टर न्यास को गूगल करें, नजीब हारून को गूगल करें, आपको पता चलेगा कि हमने अपनी लाइफ में क्या किया, हमारा करेक्टर किस किस्म का। तो बहुत सारे मोर देन 80% ऑफ यू नो मी वेल, यू नो द नजीब हारून, मेरी दरखास्त होगी कि हमारी टीम को आप कामयाब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।